Hey, what is up there people? This is Faika. Welcome to another video. तो यार क्या हाल है सबका? आई होप सब बड़े होंगे. तो यार काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर यार कोई ना, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा BGMI जो है वो वापस आ रहा है. तो यार अपना पुराना वाला जो धमाकेदार वाला जो कंटेंट है वो वापस से आ जाएगा जैसे BGMI कम बैक करेगा, यानी कि अनबैन हो जाएगा. फिलहाल यार तब तक के लिए हम लोग BGMI का न्यूज़ एंड अपडेट्स जो भी रहता है गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड वो हम लोग इस चैनल पर जो है आप लोग को देते रहेंगे. एनीवेज यार अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आज के वीडियो की तरफ. तो यार सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में. तो यार कल के स्क्रिम्स में स्काउट 1v3 करते हैं गॉड लाइक के प्लेयर्स को. एंड ये 1v3 वाला क्लिप आई एम श्योर कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सभी हाईलाइट चैनल ये वाला क्लिप कवर किया. एंड फिर भी अगर आप लोग नहीं देखे हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो. वैसे यार उस 1v3 के बाद जोनाथन स्क्रिम्स के लिए एक नया स्ट्रेटजी बनाते हैं. एंड वो क्या स्ट्रेटजी है आप लोग सुन सकते हो. मेरे सब तुम लोग क्या घुसे क्या सीधा? अपन ना पता है देख ये स्क्रीन में ना अपन जोन पकड़ते हैं, बाढ़ में जाए बंदे, अपन ऑलरेडी जैसे अपन खेलते थे ना वैसे ही खेलते हैं इजी. एंड लास्ट 2 डेज से जोनाथन भी वापस से स्क्रिम्स खेलना स्टार्ट किया है. एंड भाई इस स्क्रिम में थोड़ा बहुत झोल चल रहा है, मतलब यार बंदा लोग जंप एंड पंच वाला जो ग्लिच है वो यूज करके बंदे लोग को मार रहा है. एंड यहाँ तक कि जोनाथन तक इस चीज का शिकार हुआ है. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस क्लिप में देख सकते हो, ये बंदा आता है और गॉड लाइक के पूरे स्क्वाड को वाइप कर देता है. एंड मेन चीज ये है कि ये बंदा नो फुट खेल रहा था, यानी कि जंप एंड पंच वाला ग्लिच यूज करके खेल रहा था. इधर बैठा हुआ था क्या भाई? डेंजर है, नो फुट बैठा था भाई. नो फुट खेल रहा था ये. तो यार ये जो जंप एंड पंच वाला ग्लिच है इस चीज के बारे में जोनाथन भाई क्या कहते हैं ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं. पर ऐसे ऐसे गेम प्ले है लाइक यू नो, लाइक अगर आप ऐसे खेलोगे ना, आप बाहर के जो खेलते हैं ना लोग, अगर आप यहाँ से भी क्वालिफाई करके जाओगे ना तो बाहर वाले ना इंटरनेशनल टीम बहुत अग्रेसिव खेलते हैं लाइक उनका ऐसा नहीं होता. और जंप पंच अभी बंद, मेरे हिसाब से बंद होगा क्योंकि पबजी मोबाइल में तो बंद है. तो अभी जो ये है ना जंप पंच वाला मेटा जो ये लोग करते हैं, तो ये आई गेस मेरे हिसाब से नो आइडिया हट सकता है नहीं हटेगा मे भी. वैसे इस चीज़ में आप लोग का क्या कहना है? क्लासिक में अगर हम लोग जंप पंच वाला सीन खेलते हैं तो भाई मज़े के लिए सही है, पर क्या स्क्रिम्स में जंप पंच वाला ये जो सीन है ये वाला सही है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना. एनीवेज तो यार नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में. यार स्काउट के चैट में बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि भाई स्लॉट लेकर के बैठा है और अंडरडॉग्स प्लेयर लोग को जो है चांस नहीं मिलता. यार स्काउट अपने स्ट्रीम पर इन हेटर्स लोग को जवाब देते हुए ये कहते हैं, मेरे को तो लोग आज भी बोलते हैं स्लॉट लेके बैठा, मतलब माधर तुम्हारी थाली से थोड़ी रोटी छीन रहा हूँ मैं माधर चोद भाई, तो तुम्हारे घर पे थोड़ी तुम्हारे बाप के सैलरी से पैसे ले रहा हूँ. सही बात है, बात तो ऐसे करते हैं जो बहन तो इनकी थाली से मैंने रोटी मम्मी ने बनाई होगी आलू के पराठे मैंने आगे छीन लिए भोजन में खाने के लिए. हाँ दोनों के लिए. हाँ और अंडरडॉग क्या होता है? नीचे वाले कुत्ते बहन चोद अंडरडॉग क्या होता है? या तो होता न्यू कमर, या तो होता है वेटरन, या तो होता है प्रोफेशनल. अंडरडॉग क्या है? या तो होता है अंडर रेटेड. एक होता है अंडर रेटेड प्लेयर कि बहुत अच्छा खेलता है उसको अंडरडॉग, जैसे हमारा दक्ष है. जैसे हमारा दक्ष है. हाँ और अंडरडॉग क्या है बहनचोद? नेक्स्ट ईयर गॉबलिन का जो रश गेम प्ले है उस चीज के बारे में बात करते हुए स्पैरो अपने स्ट्रीम पर ये कहते हैं, भाई गॉबलिन एक ऐसा प्लेयर है ना, जब आया था ना ही वाज जस्ट अबाउट रशिंग एंड वो चीज कोई नहीं कर रहा था उस टाइम इतना ज्यादा. कुछ टीमें थी जो रश करती थी, बट गॉडलिन जो अंदा घुस रहा था ना वो अलग था ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के अंदर, विच आई लव्ड. एंड वी ऑल लव अग्रेशन, वी ऑल लव टीम्स जो बिल्कुल बिना डरे खेलती है, वी ऑल लव टीम्स जो गेम को गेम्स की तरह खेलती है. तो आई थिंक गॉबलिन को गॉडलिन जब मैंने बनाया, मतलब मैंने सिर्फ नाम रखा, बनाया उसने खुद है, बट आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने उसको पहली बार गॉडलिन बोला था एंड द चैट वेंट क्रेजी. सो आई थिंक गॉबलिन इज गॉडलिन एंड अभी बहुत आगे जाना है, अभी शुरुआत है उसके करियर की, बहुत आगे जाना है. तो फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही. वैसे यार क्लिप्स तो बहुत सारा है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स है या फिर क्लिप्स है वही सब आप लोगों को दिखाऊँ. फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. नीचे कमेंट मेरे को बताओ कि भाई आप लोग कितना बेसब्री से वेट कर रहे हो BGMI का. एंड ऐसे ही पूरे गेमिंग कम्युनिटी से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी इनेबल कर देना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.